जेल खोला में कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पिलर पर हुआ हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ऑस्ट्रेलिया डे टुडे, मैं आप सभी के साथ उमा शाह। 10 अक्टूबर को जेल खोला में कवरेज करने के दौरान दो पत्रकारों पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया और इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम और जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ सिक्किम की ओर से एक संयुक्त रूप से बैठक की गई और इस मामले पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उक्त दोनों संगठनों ने प्रशासन से इस मामले में शामिल बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की घटना डेमोक्रेसी की हत्या करने जैसा है। प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम और जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ सिक्किम ने 10 अक्टूबर कालिम्पोंग के जर्नलिस्ट कम खबर मैगजीन एडिटर मनोज बोगदी और केटीवी रिपोर्टर उमेश परियार पर हमले की घटना की कड़ी निंदा की है। इस घटना को लेकर आज 11 अक्टूबर को गैंगटॉक में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ सिक्किम और प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में दोनों संगठनों के सदस्यों ने इस घटना पर गंभीरता से चर्चा की और बैठक के बाद दोनों संगठनों ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। कालिम्पोंग जिला अंतर्गत गेल खोला में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दोनों पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना पर संज्ञान लेते हुए दोनों संगठनों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पत्रकारों के साथ इस तरह की मारपीट लोकतंत्र की हत्या है। यूनियन और क्लब ने मांग की है कि स्थानीय प्रशासन भविष्य में इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए उचित कदम उठाए और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस समय सिक्किम के पत्रकार समुदाय कालिम्पोंग के पत्रकारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हामीलाई गेल खोलामा बोलाइएको थियो, यहाँ का मानिसहरूले यसरी हिर्काए हामीलाई। हामीलाई गेल खोलामा बोलाए थिए हामी, अनि थापाहरू पनि यहाँ आएका थिएछन्, अनि हामीमाथि हातापाई भयो, हामीलाई हिर्काए, पुरा एकदमै हातापाई भयो। मनोज बोगटी अनि म आज हामीलाई गेल खोला बोलाइएको थियो, तर यहाँ हामी न्युज गर्ने क्रममा अनि थापाको टिम पनि यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई पुरा हिर्कायो। के भन्नु अब, अहिले हामी यहाँ प्रेस क्लब अफ सिक्किम र जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमका सदस्यहरू उपस्थित छौँ र विशेष गरी हिजो कालेबुङका दुईजना पत्रकार मनोज बोगटी र उमेश परियारमाथि जुन प्रकारको गेल खोलामा आक्रमण भयो, उनीहरूमाथि फिजिकल एट्याक भयो, त्यसको निम्ति हामी एकदमै कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौँ, भर्त्सना गर्दछौँ र सिक्किमका सम्पूर्ण पत्रकारहरूको तर्फबाट हामी कडा भर्त्सना जनाउँदछौँ र विशेष गरी यो प्रकारको जुन आक्रमण भयो, कसैले पनि यसरी समाचार सङ्कलन गर्न फिल्डमा गएका पत्रकारहरूमाथि आक्रमण गर्छ भने त्यो सहन सक्ने कुरा होइन र यो मिडिया जगतको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजकै लागि यो एकदमै निन्दनीय विषय हो र हामी यस घटनाले एकदमै दुखित छौँ र यो लोकतन्त्रमाथि, चौथो स्तम्भमाथि र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि ठुलो आघात पुगेको छ, एउटा ठुलो आक्रमण भएको छ र प्रजातन्त्रको एउटा गला दबाउने कार्य भएको छ। यो एकदमै कसैले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति जनाउन पाइन्छ, यो देशको संविधानले दिएको एउटा मौलिक अधिकार हो, पत्रकारले मात्र होइन कुनै व्यक्ति विशेषले पनि यसरी आफ्नो अभिव्यक्ति, असन्तुष्टि या कुनै पनि विषयमाथि आफ्नो विचार राख्नु पाउँछ, आफ्नो विचार राख्नु पाउँछ, तर यो राख्दैमा त्यसको जवाब चाहिँ यसरी फिजिकल एट्याक गरेर, यसरी आक्रमण गरेर, शारीरिक आक्रमण गरेर चाहिँ यो जुन प्रकारको कार्य गर्यो त्यसले हामी सम्पूर्ण सिक्किमका मिडिया कर्मीहरू दुखी छौँ, पत्रकारहरू दुखी छौँ र यो प्रकारको घटना अब उपरान्त घट्न नदिनको निम्ति त्यहाँको प्रशासनले ती दोषीहरूमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्छ र यति मात्र नभएर त्यहाँको प्रशासनले पत्रकारहरूको अब उसो पत्रकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको निम्ति कडाभन्दा कडा पहल गर्नेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। यस घडी हामी सम्पूर्ण सिक्किमका पत्रकारहरू, कालेबुङका ती पत्रकारहरू जो पीडित पत्रकारहरू छन्, जो अहिले दुःखमा छन्, उहाँहरूको साथमा छौँ र उहाँहरू सम्पूर्णप्रति हामी प्रेस क्लब अफ सिक्किम र जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किम ऐक्यबद्धता जनाउँदछौँ।